आईएएस अधिकारियों की बात करते हैं, आपस में मतभेद तो उनके काफी बार देखने को मिले हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद जो विवाद है वो खुलकर सामने आ जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कुछ दिन पहले दो रिटायर्ड आईएएस अधिकारी बीआर नायडू और सभाजीत यादव के बीच जमीन विवाद के मामले ने खूब तूल पकड़ा था। अब एक और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने दो रिटायर्ड आईएएस अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इनकी शिकायत की है। तो ऐसे लोगों को जो श्री के सिंह साहब जो तत्कालीन आयुक्त थे, जिन्होंने भयंकर अनियमितता की है आरबीसी के राजस्व पुस्तक परिपत्र के अंतर्गत भूमि विनिमय के संबंध में आदेश पारित करने में, और ये जो श्री कविंद्र कावत जी हैं तत्कालीन जो आयुक्त थे, इन्होंने राज्य शासन को एक भ्रमात्मक गलत प्रतिवेदन दिया, उसका भी मैंने जो है सरकार को लिखा कि इन्होंने गलत काम किया। आरबी प्रजापति ने दोनों सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ विदिशा के मानसरोवर तालाब के मामले में आरोप लगाया है। हालांकि इन दोनों अधिकारियों ने आरोपों पर किसी प्रकार की टिप्पणी करने से मना कर दिया है। विश्लेषकों का मानना है कि नौकरी के दौरान का मनमुटाव इस प्रकार सामने आना साफ कर रहा है कि नौकरशाही में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में भले रिटायरमेंट के बाद शिकायतें हो रही हैं, सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो भी एसोसिएशन है भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोगों का और जो उच्च अधिकारी हैं, हमको लगता है उनको मिल बैठकर यह सोचने का वक्त आ गया है। आमतौर पर आईएएस अधिकारियों के झगड़े पब्लिकली खुलकर कम ही सामने आते हैं। हालांकि इस विवाद के पीछे की वजह सूचना आयोग में नियुक्ति को भी बताया जा रहा है। देखना होगा कि आईएएस अधिकारियों के बीच मची ये जंग कहां जाकर थमती है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।